हाँ मिस यो, ओह टाइम हो गया, हाँ मैं अभी आई, ओके। एक्सक्यूज मी साइड हटना प्लीज। हाँ मिस यो, तुम इतने लेट क्यों आई? फिश के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इतना काम मत करो यार। ये मछली की बदबू आ रही है। बहुत आ रही है क्या? मुझे पता नहीं चल रहा। वही बदबू की दुकान है तो इधर आ। कोई बात नहीं, इससे पता चलता है कि तुम अपनी रिसर्च पर मेहनत कर रही हो। इनॉग्रेशन कुछ ही देर में शुरू होगी, प्लीज बैठ जाइए। अंदर चलें। ओके। लगता है प्रेसिडेंट खंग वाकई में वर्कहोलिक है। मैंने सुना है सीधा अपने इंटरनेशनल ऑफिस से यहाँ आएंगे। मैंने सुना है कि वो सच में बहुत ही हॉट है। पता नहीं, मैंने उन्हें मेन ब्रांच में कभी देखा भी नहीं था, पर पता है वो हैंडसम हो ही नहीं सकता अगर उसके दादाजी ऐसे दिखते हैं। कांग्रेचुलेशंस सर, बहुत शायद उतने भी हॉट ऐसा नहीं है। सुना है वो हैंडसम है और किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। अरे शक्ल तो विरासत में मिलती है ना, वैसे भी शक्ल से क्या फर्क पड़ता है। प्रेसिडेंट खान अब अपनी स्पीच देंगे। वो आ गए, बढ़िया। देखो मैंने कहा था ना वो कितना सुपर हॉट है। अरे ये तो हेलो एवरीवन, मैं छा सुनफुन हूँ, प्रेसिडेंट खंग का चीफ सेक्रेटरी, और मैं उनकी तरफ से यहाँ बोलने आया हूँ। चीफ सेक्रेटरी, उनके बिहाफ पे उनकी इनॉग्रेशन स्पीच मैं दूंगा। वो सभी लोग जिन्होंने आज की सेरेमनी के लिए इतनी सारी मेहनत की मेरे मना करने के बावजूद, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आगे से आप काम से जुड़े मामलों में मेहनत करेंगे, ना कि इस तरह की बेकार की सेरेमनीज अरेंज करने में। आप सबसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट खान। बस इतना ही। आजकल के बच्चे खुद को समझते क्या? कम वक्त बेहुदा। तो फिर प्रेसिडेंट